Welcome Gurmeet and Devina on E24. Thank you so much. Thank you. और सबसे पहले प्रणाम राम जी और सीता जी को. हमारे तरफ से भी खूब सारा आशीर्वाद. हाँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद. थैंक यू सो मच. और कह सकते हमने कि राम जी ने बनाई जोड़ी, कह सकते 2008 को जब ये कारवा शुरू हुआ था. आपसे ही सुनना चाहेंगे किस तरह से वो पूरी जर्नी रही है रामायण की. 2008 सुन के तो बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत साल पुराना पुरानी बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार जब अभी हम दंगल पे साथ में बैठ के रामायण देखते हैं तो ऐसा लगता है यार अभी की तो बात है. अब और सारे सीन जो भी हमने शूट किया है वो ऐसा लगता है कि पूरी कहानी याद आ गई. शूट के टाइम पे हम क्या कर रहे थे, इस सीन में हम लोग क्या शूट कर रहे थे, हम इस सीन में कितनी मस्ती कर रहे थे, वो सारी चीजें. और आई थिंक हम दोनों का पहला वो शो था, पहली बार लोगों ने गुरमीत देवीना को देखा था, तो बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है इस शो को लेके हम लोग. देवीना आप क्या कहेंगे, हाउ डू यू फील व्हेन यू सॉ दैट प्रोमो नाउ? अभी जब देखा तो ऐसा लगा कि हाँ यार, एक ऐसा काम जो कभी पुराना नहीं होता और एक ऐसा काम जो जितने बार देखे उतने बार नया ही लगता है. और लोगों के लिए भी ऐसा नहीं लगता है कि मतलब जैसे हम लोग ये लॉकडाउन में हम लोग खुद भी बहुत सारे शोज देख रहे हैं टीवी में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, तो कुछ कुछ शोज ऐसे देख के लगता है ठीक है देख लिया जबकि बहुत पहले देखा हुआ है. लेकिन रामायण एक ऐसा शो है वो लगता है हाँ आप और एक बार देख सकते हो, बार बार देख सकते हो. सो ऐसा नहीं है कि हमारा है इसीलिए, पर घर पे जो दूसरे लोग हैं और जो ऑडियंस है उन लोगों की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि नहीं सिर्फ हम हमारा खुद का काम है बोल के नहीं, लोग भी बार बार देखना पसंद कर रहे हैं. ये एक ऐसा शो है. जी बिल्कुल, हमने भी जब वो प्रोमो देखा दंगल चैनल ने जो डाला है प्रोमो पूरी रामायण का, तो ऐसे लग रहा था कि अभी अभी आपने ये शूट किया है और अभी अभी हम देख रहे हैं प्रोमो और अभी रिलीज होने जा रही है. क्या कहेंगे, काफी फ्रेश, मतलब अभी भी फ्रेश लग रहा है वो, मतलब वो लुक, शूटिंग और डायरेक्शन एवरीथिंग. क्या कहेंगे, हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लग रहा है सुन के. ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब है कि हम आज भी आज से 10-12 साल पहले जैसे दिखते थे उससे ज्यादा वैसे दिखते हैं और उससे ज्यादा यंग हो गए. तो इसीलिए वो शो इतना फ्रेश लग रहा है अगर क्योंकि हम बदले ही नहीं. अगर हम काफी बदल जाते तो ऐसा लगता कि बहुत पुराना है, पर एक्चुअली ऐसा है कि उस टाइम पे हम लोग भी बहुत ही यंग थे और बहुत एक फ्रेश एटीट्यूड लेके उस शो को किया था. Without any baggage, without any thought, without any this thing की मतलब preparation, जो कि बहुत ज़्यादा होता है ना, mechanical हो जाता है. तो बिना किसी preparation के एकदम से हम लोगों ने वो किया था with a fresh mind, fresh outlook. तो अब भी हम लोग evolved हुए हैं as actors, अपने आप को और ज़्यादा groom किया है, थोड़ी maturity आई है. और लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कल की बात है और actually देखा जाए तो 10 साल में क्या चेंज होता है? 10 साल में एक्चुअली हम भी इतने छोटे थे और पहला काम था, सबसे पहला पहली बार हमें किसी ने देखा था, तो कुछ बदलाव तो लगता ही नहीं. लगता है कि इनफैक्ट हम लोग और ज्यादा ग्रूम हो गए हैं एज एन एक्टर भी. जैसे देवीना ने कहा कि हम एज एन एक्टर भी बहुत कुछ हमने सीखा है, यू नो हर काम से आप कुछ ना कुछ सीखते हो. तो रामायण, हाँ, लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा कि रामायण हमारे दिल के बहुत करीब है क्योंकि यू नो आज भी हम बैठे हैं रामायण के लिए. इसका सबसे बड़ा रीजन है कि क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम दोनों को लोगों ने साथ में देखा और हमने फिर शादी भी की और हम एक्चुअली शादी करने के बाद राम और सीता ही बन गए लोगों की नजरों में. तो एक ऐसा शो जो मुझे लगता है कि जो जिंदगी भर हमारे दिल के बहुत ही करीब रहेगा. और इनफैक्ट ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि रामायण के बाद मैं और देवीना ने बहुत सारा काम किया, उससे अच्छा भी काम किया, उससे अच्छे ऐसे शोज भी किए जो बहुत ही पॉपुलर हुआ. गीत, पुनर्विवाह, देवीना का चिड़ियाघर, झलक दिखला जा जीत लिया, बहुत काम, कहने का मतलब बहुत काम किया. लेकिन जो क्रेडिबिलिटी और जो नाम, जो इज्जत, मुझे लगता है कि रामायण ने हमें दिया है. आज देखिए लॉकडाउन में भी
रामायण की आज हम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि रामायण के बदौलत हमें इतना सारा काम मिला और आज हम लोग लकी हैं कि हमने वैसे से शोज किए हैं, गीत या पुनर्विवाह जो आज भी लॉकडाउन में वापस चल रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी लकी कि तीनों शोज बहुत अच्छे रहे और लॉकडाउन में भी लोग देख रहे हैं। अच्छा, एज एन एक्टर खुशी की बात है कि और देखो मेरा काम देखो। जी बिल्कुल, हम मैं वहीं पे आने वाली थी कि वाकई में शो आपके लिए स्पेशल भी रहा है। जब करियर की शुरुआत हुई आप दोनों की, उसी के साथ आप दोनों की एज अ मतलब रियल लाइफ की भी शुरुआत हुई एक साथ। तो वो वक्त क्या, मतलब वो चीज क्या थी कि जब आपको एहसास हुआ एक दोनों को एक दूसरे के लिए कि नहीं हम वी आर मेड फॉर ईच अदर, अगर आप वो थोड़ा बहुत हमसे शेयर करें। मेड फॉर ईच अदर तो हम बहुत पहले रामायण से पहले फील आ गया था। की बात नहीं है कि एक दिन हम लोगों को ऐसा लगा, बट आई थिंक इट्स अ प्रोसेस और इतना ग्रेजुअल और इतना नेचुरल था कि हम लोगों को मतलब एक मतलब अलग से एक दिन कोई फील नहीं आई। हाँ, हमें तभी से ऐसा लगता था दैट ओके फाइन वी आर देयर फॉर ईच अदर। हाँ, हम लोग बड़ौदा में शूट करते थे, काफी कठिनाइयों का सामना आप देवीनाथ हिंदी से समझ सकते हैं, शुद्ध हिंदी पे आ गई है ये, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उस टाइम पे। लेकिन वी हैड दिस फीलिंग दैट हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए है तो इसीलिए ज्यादा टेंशन नहीं है, इसलिए खुशी खुशी वो शूटिंग का टाइम भी हम लोग को मतलब बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता था ऐसा लगा, और कभी दिक्कत ही नहीं हुई। इनफैक्ट अगर नहीं होते मुझे लगता है तो इतना दूर बड़ौदा में जंगल के बीच में हम लोग शूट करते थे तो शायद बहुत। एक्चुअली हमारा तो वनवासी था, आपको बता दूं रामायण में जब हम तब बड़ौदा में शूट करते थे तब वैनिटी वैन या ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता था और हम एक्चुअली जंगल में शूट करते थे, क्योंकि जब दिखाया कि राम और सीता वनवास चले जाते हैं तो पूरे जंगल में हम लोग गए, वहां पे कोई वैन नहीं कुछ नहीं, हम चेयर पे बैठे रहते थे जंगल में, जहाँ कैमरा घुसा वहां पे हम लोग शूट करने लगते थे। इतनी गर्मी वहां पे बड़ौदा में तब मुझे याद है 40 डिग्री तक पहुंच जाता था और बेयर बॉडी होते थे, गरम इतनी गर्मी की स्किन से मुझे याद है कि पूरा स्किन जल जाता था और शाम को स्किन निकालते थे, क्रीम लगाते थे, पूरा बॉडी पूरी जल गई थी, बहुत मेहनत की थी उस शो में। लेकिन असली बात है कि उस टाइम पे हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। हाँ, तो टाइम निकल गया। हाँ, इसलिए कोई से भी परेशानी नहीं लगी, जैसे कहा कि वैनिटी वैन नहीं था तो हम लोग वहाँ पे गाँव वाले विलेज जो गाँव वाले वॉशरूम के बाद धनुष तीर लेके बैठा रहता था, खड़ा रहता था कि कोई अंदर ना आए। और क्या कुछ ऐसी यादें मेमोरीज है जो आपसे हमसे शेयर करना चाहेंगे इस शो से जुड़ी, इस सफर से जुड़ी, और क्या कुछ यादें अगर है तो। सो एज एन आर्टिस्ट आल्सो और एज एन एक्टर आल्सो दोनों तरीके से हम लोग ग्रूम हुए ड्यूरिंग रामायण। एज एन आर्टिस्ट तो डेफिनेटली इतना भारी कैरेक्टर करने को मिला द बिगिनिंग ऑफ आवर करियर, तो डेफिनेटली एज एन आर्टिस्ट हम लोग काफी इवॉल्व हुए, और एज एन आर्टिस्ट मतलब एज एन एक्टर हम इवॉल्व हुए, और एज एन आर्टिस्ट भी हम इवॉल्व हुए बिकॉज इतनी कठिनाई मतलब देयर वाज नो वैनिटी वैन, वी यूज्ड टू शूट इन रियल लोकेशंस और इतने टाइम तक शूट करते थे क्योंकि हम लोग बड़ौदा में शूट करते थे, ऐसा नहीं कि बॉम्बे में कि शूटिंग पे गए आ गए, हम लोग 24 घंटे शूट करते थे कभी कभी, और सारी चीजों बहुत गर्मी में शूट करते थे, इतना बड़ा सेट था कि उसको एसी करना पॉसिबल नहीं था, धीरे धीरे अभी काफी सारे ऐसे बड़े बड़े सेट्स एसी होने लगे पर उस टाइम पे उतना एसी नहीं था, तो बहुत सारी कठिनाइयां थी, लेकिन हमें उस टाइम पे पता ही नहीं था कि ऐसा होता, मतलब इससे इनको बहुत कठिनाइयां होती थी, लेकिन श्री राम यहाँ पे थे नहीं, लेकिन हमें उस टाइम पे पता भी नहीं था कि उसका ऐसा ऐसा कुछ हो भी सकता है कि जंगल में वैनिटी वैन आ सकता है ऐसा कुछ, हम तो नहीं था, हमें पता ही नहीं था, हमें पता नहीं था, तो लेकिन आज जब हम लोग शूट करते हैं कोई भी सिचुएशन में शूट करते हैं बहुत आसान है, हम लोग को बहुत आसान लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अरे यार सब कुछ तो है फिर भी क्यों कंप्लेन करना, हमारे पास सब कुछ है। सो ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो बेसिक है जो एकदम जो रूट है
वो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए आज भी शूटिंग में हम लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आती। ग्रेट। और गुरमीत, आपके करियर की बात करें तो टेलीविजन से लेकर फिल्मों तक भी रुख हुआ है आपका, तो वो सफर कितना यादगार और कितना किस तरह से रहा है आपके लिए? बहुत ही अच्छा रहा एक्चुअली। हमेशा से फिल्म एक्टर फिल्म स्टार बनना था और उसी लिए यहाँ पे मुंबई में आया था हीरो बनने के लिए। लेकिन जब आपका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होता है यू नो तो टफ होता है यहाँ पे सरवाइव करना, रहना, समझना। और मुझे लगता है उस वक्त सबसे अच्छा हुआ कि मुझे टीवी के बारे में ऑफकोर्स सबको पता था और टीवी बहुत बड़ा भी था। और उसी वक्त मुझे यश चोपड़ा से मुझे मौका मिला उनसे मिलने का और उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी। और मैंने बहुत बार ये कहा भी है कि उन्होंने मुझे बताया था कि अगर फिल्म का एक्टर बनना है गुरमीत तो टीवी करो और हो सकता है कि टीवी में तुम बड़ा नाम हो जाओ, कोई फिल्म का डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपको देख ले और फिल्मों में आप आ जाओ, जो कि चांसेस बहुत कम होते थे क्योंकि टीवी से स्टार्स तो बहुत सारे बने लेकिन बहुत ही एक इक्का दुक्का लोग ही फिल्मों में आ सके थे, तो चांसेस बहुत कम था। लेकिन मैंने उसको बहुत ही सीरियसली लिया और टीवी जब मैंने स्टार्ट किया यू नो रामायण गीत जैसे आप सभी जानते हैं, तो मैंने बहुत दिल से काम किया टीवी में और मेहनत बहुत की, बहुत ही फोकस था काम को लेके। और इन सब चीजों को करने के बाद बहुत सारे फैंस मेरे साथ जुड़ते रहे, उतने लोगों ने मुझे पसंद किया चाहे वो किसी भी किरदार में या जब रियलिटी शो में उन्होंने गुरमीत चौधरी को देखा तो उनको मालूम चला कि अच्छा गुरमीत ऐसा भी, क्योंकि नॉर्मली रियलिटी शो में आपको पता चलता है कि इंसान कैसा होता है, तो उनको जब लगा कि यार गुरमीत तो सही बंदा है तो और भी फैंस जुड़ते गए, एक फैमिली बन गई, फौज बन गई। और यू नो तभी जब टीवी सारे शोज मेरे बहुत चलने लगे तो फिल्मों के ऑफर्स मुझे आते थे बट मैं आई वॉज वेरी श्योर कि अगर फिल्म करना है तो अच्छे प्रोड्यूसर अच्छे स्टूडियोज के साथ ही फिल्म करूं ताकि फिल्म अच्छे से रिलीज हो, लोगों तक वो रिलीज पहुंचे। और ये करते करते मुझे लगता है 5-6 साल गुजर गया था और तब तक मैंने टीवी में ऑलमोस्ट सब कुछ सारे रियलिटी शोज 3 डेली सोप कर चुका था। और लकली उसी वक्त जब मैं सोच ही रहा था कि अब नेक्स्ट क्या होगा यू नो क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता था टीवी में भी अलग अलग किरदार करने का, तभी मुझे विशेष फिल्म से मुकेश भट्ट के वहां से उनके वहां से मुझे ऑफर आ गया और फाइनली मेरी फिल्म खामोशियां में मुझे ब्रेक मिला फिल्मों में। एंड वहां से यू नो फिल्मों की शुरुआत हो गई और आई थिंक ये सब शुरुआत इसीलिए हुई क्योंकि टीवी के बदौलत, क्योंकि अगर मुझे टीवी पे नहीं लोग देखते और पसंद नहीं करते तो मैं फिल्मों तक नहीं पहुंच पाता, तो सारा श्रेय मैं हमेशा टीवी को देता हूँ। ग्रेट। और जहाँ आपने रियलिटी शो का जिक्र किया तो आप दोनों साथ हो और नच बली की जर्नी के बारे में बात ना करें तो ऐसे कैसे हो सकता है? इतने अमेजिंग एक एक परफॉर्मेंसेस, स्टाइल ऑफ डांसिंग यूनिक देखने को मिले और आप दोनों ने इतने बखूबी से निभाए जो दवीना पोस्ट भी करती है सोशल मीडिया पे, हम देखते रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे उस रियलिटी शो और जर्नी के बारे में, नच बली के बारे में? नच बलिए तो अकेले तो देबिना जरूर बोलना चाहेंगे, देबिना का फेवरेट ये शो था नच बलिए और ये तो एक्टर ही बनी थी नच बलिए के लिए, इन्होंने बोला था नच बलिए में। एक्चुअली मैं झलक कर चुका था, डांस एक रियलिटी शो खत्म ही किया था और मुझे मालूम था रियलिटी शो में बहुत मेहनत लगती है और उसके बाद मुझे लगा था कि अब हो गया, रियलिटी शो हो गया, एक डांस का शो जीत गया हूँ। एंड फिर देबिना को नच बलिए करना था एंड मुझे मालूम था कि देबिना का को डांस बहुत पसंद है। देन देबिना ने मुझे बोला कि नच बली साथ में करते हैं, तो नच बली साथ में ही करते हैं। हाँ मतलब और कोई ऑप्शन तो था ही नहीं। नच बली साथ में करते हैं। और फिर हम दोनों ने साथ में नच बली किया और जितनी भी अंदर का जो कीड़ा था डांस करने का, तो क्योंकि झलक से और अच्छा डांसर तो हो गया था और देबिना के साथ डांस करने में एक अलग कम्फर्ट था, हम लोग को एक बहुत अच्छा मौका मिला दोनों को साथ में डांस करने का। आई थिंक नच बलिए में हम दोनों ने ऐसे ऐसे एक्ट किए हैं जो आजकल देबिना तो पोस्ट करती रहती है सोशल मीडिया, आज भी पुराना नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि जैसे एक्ट हम लोगों ने 5 साल पहले किया वो एक्ट अभी भी मतलब देख के फ्रेश लगता है और काफी काफी हम लोगों ने क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट काम किया था उस टाइम पे भी। एक्चुअली गुरमीत ने उसी वक्त झलक जीता था तो हम लोग इजी और एकदम इजी ब्रीजी एक्टर डांस कर ऐसा कर नहीं सकते थे, हम लोगों को थोड़ा सा दिखाना पड़ता कि गुरमीत ने ऑलरेडी झलक में जो दिखा दिया उससे बेटर कुछ,
लेवल अप. मैं स्पेस स्पेस बोलो, स्पेस स्पेस क्यों बोलो, स्पेस नहीं कुछ नहीं, लॉकडाउन का असर है. आगे आगे बोलो, आगे बोलना क्या चाह रहे हो, स्पेसशिप नहीं तो कुछ और. सो हाँ, जो इकट कर देना, इकट कर देना. तो इसीलिए आज भी उस टाइम, लेकिन 5 साल पहले इस तरीके से इंटरनेट नहीं था कि लोग ये डांस देख सके, और उस टाइम पे मतलब हॉटस्टार भी नहीं था कि जो भी अभी जो भी शो कोई भी टीवी चैनल में आता वो उसी वक्त उसी का ओटीटी प्लेटफॉर्म में पहुंच जाता है, तो ऐसा भी नहीं था. तो इसीलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म में नहीं है, तो ये थैंकफुली कुछ परफॉर्मेंसेस हमारे पास था, तो हमने सोचा अभी पोस्ट कर देते. लॉकडाउन में लोगों के पास फुर्सत भी है बैठे बैठे इंटरनेट देखने का, देख लीजिए जैसे आपने देखा, तो इसी तरीके से अभी सब लोग हमारा नजबलिए का डांस देख रहे हैं. इनफैक्ट लोगों ने लिखा कि और भी डांस पोस्ट करने के लिए हमारे नजबलिए के सारे एक्ट. हाँ, तो जैसे मुझे मिल रहा है, मैं वो पोस्ट काम करते लॉकडाउन में हम लोग घर पे ये सारे एक्ट परफॉर्म कर डालते हैं लाइव, क्या बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को तो बड़ा ही मजा आएगा. और क्या, कुछ लॉकडाउन में एक्सीडेंट नहीं करना चाहते. और लॉकडाउन किस तरह से बीत रहा है आपका? अभी लॉकडाउन 4 भी स्टार्ट हो चुका है, किस तरह से दिन बीत रहे आप दोनों के घर में बैठे बैठे? लॉकडाउन फोर स्टार्ट हो गया? ओह माय गॉड, कब हुआ लॉकडाउन? हाँ, अच्छा, अभी तक तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, और मुझे लगता है हम लोगों ने एक 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 स्पेस समझ लिया है इस लॉकडाउन का, कि हमें करना क्या है, इसको यूटिलाइज कर रहे हैं. अच्छा, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं. मुझे लगता है कि ये सही टाइम है अपने आप को सीखने का, अपने स्किल को और शार्प करने का. मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, देविना बुक्स नहीं पढ़ रही है. मैं सीरीज देखना चाहता हूँ, देविना सीरीज नहीं देख रही. मैं क्या करती हूँ दिन भर? देविना लैपटॉप पे अपना यूट्यूब चैनल, मैं देविना डिकोर्स में क्रिएटिवली कुछ ना कुछ इन्वॉल्व रहती है, और देविना ने मुझे बुक्स की आदत डाली थी कि बुक्स तो कर रही हूं, तो मैं बुक्स इतना, मैंने करीबन 5 बुक्स कंप्लीट कर लिए हैं, और सीरीज देखता रहता हूं. देविना का अलग एक सीरीज चलता है जो उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं इन्वॉल्व होता हूं, और मैं जो देखता हूं उसमें देविना होती है. हां, देविना खाना बहुत बना रही है. हां, मैं कुकीज बना रही हूं. वो कुकीज से याद है कि देविना ने अभी एक प्रोटीन कुकीज बनाया हुआ है. जल गया, कोई बात नहीं, जला हुआ का और मजा आता है. अच्छा, नहीं, मन खराब है इसीलिए मेरा. हाँ, लास्ट टाइम देविना ने बनाया था, अभी आज ही वो कुकीज खत्म हुआ. हाँ, कुछ अजीब ही है, मुझे तो समझ में, कुकिंग इज वेरी डिफिकल्ट. कभी 30 मिनट दे दो तो भी नहीं पकता है, और कभी 15 मिनट में जल भी जाता है. मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया फंडा. हाँ, तो और इस पाब्लो के साथ बहुत सारा टाइम हम दिखाते हैं, बहुत टाइम पास हो जाता है. पाब्लो, पाब्लो ये पागल है, इसकी बहुत फैन फॉलोइंग हो चुकी है, आपको मैं बता दूं. और जब भी हम पोस्ट कुछ करते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि पाब्लो कहाँ है, लोगों का अलग से कॉल आता है. मुझे लगता है लोग मुझसे मेरे बारे में पूछने के लिए कॉल करते हैं, और सीधा बोलते हैं पाब्लो कहाँ है. तो आप समझ सकते हो ये स्टार बन चुका है, इतना से ही रहे, इससे बड़ा नहीं होगा. और हाँ, तो घर के कामों की बात, किस तरह से, क्या कुछ बटे काम, साफ सफाई, क्या कुछ चल रही है गुरमीत? देविना बहुत साफ सफाई कर रही है. हाँ, मैं सिर्फ अपने बाथरूम को खूब साफ सफाई करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है एकदम नीट एंड क्लीन बाथरूम, जैसे मैं मुझे पसंद है तो मैं वैसे कर ही रही हूँ. पर बहुत सारा घर का भी एक एक कोना कोना थोड़ा सा स्टार्टिंग में पकड़ पकड़ के साफ किया करके अभी मैं बोर हो गई हूँ घर के क्लीन अप कर करके. तो अभी हम लोग ऐसे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट थैंकफुली वी हैव हाउस हेल्प. अगर ही वुडंट बी देयर तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता, बट थैंक्स टू गॉड दैट ही इज देयर टू ऑलवेज हेल्प अस, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती. हाँ, नो यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू. एक्चुअली वी आर लकी दैट हमें एक हमारा हेल्पर है यहाँ पे जो हमें हेल्प हमें मिल जाती है. मैंने बोल दिया. बोल दिया देविना आपने? अच्छा, क्योंकि ये मेरे कान में यहाँ पे है ना, तो देविना की आवाज ठीक से आ रही है. वेलकम
वैसे जहाँ पर अभी आप हो मुंबई में, क्या कुछ सिचुएशन है आपके यहाँ पे कोरोना को लेकर, और क्या कुछ प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं? सिचुएशन आई गेस मुंबई में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये कोविड 19 है, बट मुझे लगता है कि हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, और घर के बाहर अगर जाना होता है तो ये तो ऐसे जाते नहीं है, अगर जब भी कुछ घर का सामान खरीदने जाते हैं तो मास्क सैनिटाइजर, हाँ बहुत ही कभी कभी तो पूरे प्रिकॉशन के साथ जाते हैं, घर का ख्याल रखते हैं। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 कुल मिला के हम लोग 3 बार निकले, हाँ तो उसका ख्याल रखते हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि इस टाइम पे यही जरूरी है कि आप घर पे रहो जब तक सरकार नहीं बोलती कि घर से बाहर निकलो। अगर घर से बाहर भी जाते हो, अगर लॉकडाउन खुलता भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस ने लॉकडाउन खोल दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा घर पे, घर से बाहर जाने के लिए। तो जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर जाओ, और मुझे लगता है उसको प्रॉपर फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हाल ही में हमने देखा कि लिकर शॉप खुल गए तो इतने लोग बाहर आ गए, इतने लोग आ गए तो उनको लगा कि शायद कोविड 19 होगा ही नहीं। आई थिंक वैसी गलती नहीं होनी चाहिए, सबसे यही गुजारिश करूंगा कि संभाल के, डिस्टेंस मेंटेन करके, मास्क लगा के, ये बहुत ही सीरियस है, इसको मजाक पे नहीं लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जाते जाते रामायण के साथ ही एंड करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि यू नो जब राम सीता एक लोगों के लिए बन जाता है ना आइकॉनिक, कि ये है, ये छवि आपकी, ये किरदार है, तो कभी कभी बाहर निकल के ऐसे कभी आपको हुआ है कि अरे राम आ गए, सीता आ गए, मतलब कभी फैंस ने इस तरह से आपको ट्रीट किया हो, अगर वो कुछ मेमोरी हो हमारे साथ शेयर करें? ऐसी मेमोरी हमारे पास, हमें हमारे पास हुई थी जब हम लोग एक्चुअली बड़ौदा में शूट करते थे, जब रामायण कर रहे होते थे तो बड़ौदा में शूट करते थे, और हम लोग बड़ौदा फिल्म सिटी के अंदर ही रहते थे, तो बड़ौदा फिल्म सिटी से बाहर जाते नहीं थे, तो इसलिए हम लोग को कुछ उस टाइम पे ज्यादा पता चला नहीं था। लेकिन जब रामायण खत्म होने को आया था और हम लोग को प्रमोशन के लिए भेजा गया था बहुत सारे शहरों में, तो आई थिंक पंजाब, हम लोग पंजाब में कहीं पे गए थे या चंडीगढ़ में गए थे या मोहाली में थे किधर, तो किसी के घर पे सत्संग था और हम लोग वहां पे गए थे, तो वहां पे सत्संग में आए हुए सारे लोग हमारे पैर छुए और उनके मंदिर में हमारा फोटो लगा हुआ था, तो वो देख के हमें, हम उस टाइम पे थोड़े से तो मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए थे, लेकिन फिर हमने सोचा ये कि भगवान है हमारा विश्वास, हमारा बिलीफ, और अगर लोग इस चीज को बिलीव करके उनको मन में शांति मिलती है, सो बी इट, सो लोग उसको ऐसे ही रहने देते हैं, और जिनको जिस चीज से शांति मिलती है उसे वही करने देते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज द पीस ऑफ माइंड दैट इज मोस्टली रिक्वायर्ड। आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत है नहीं, और किसी के बिलीफ, किसी के धारणा को चेंज करके, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है वैसा है, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है, सो वी लेट इट बी। बट हाँ, ऐसे दिन भी हम लोगों को देखने को मिले, और आज भी बहुत बहुत ही लोग बोलते कि आप हमारे लिए राम और सीता जैसे ही हो, सो एंड वी लाइक इट, वी एंजॉय इट, एंड वी लेट इट बी। एक और अच्छी चीज हुई है कि मुझे लगता है कि रामायण के बाद राम और सीता तो लोग जानते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि एज एन एक्टर यू नो आपको पर्सनली भी जानते हैं, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि नहीं तो आप किरदार में इतना बन जाते हो कि बहुत सारे एक्टर्स के साथ होता है कि आप उसी किरदार के नाम से लोग जानते हैं। आजकल जो होता है कि लोग हमें राम और सीता बोलते हैं, इंटरनेट, हाँ जी, तो लोग हमें ऐसे ही देखते हैं और ऐसे भी पसंद करते हैं, लेकिन उनके मन में जो छवि है उस छवि को भी जो रामायण टीवी में बार बार आ रहा है उस छवि को जिंदा भी रख रहा है, सो थैंकफुल टू एवरीथिंग, इंटरनेट एज वेल एज द रिपीट टेलीकास्ट। जी, आपके फैंस की बात करें तो कोलाजेस बनाए जा रहे हैं, 1987 का जो रामायण है पहला जो निकला था डीडी वाला वो, और जो ये आप लोगों का रिमेक जो बना वो सेम प्रोडक्शन हाउस का, कंपेरिटी चल रही है, कंपेयर कर रहे हैं, वही सेम कोलाजेस बन रहे हैं, फेसबुक पे हर जगह देखने को मिल रहे हैं, आपने भी शायद देखे होंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छा लगता है देख के, मुझे ऐसा लगता है कि 87 में हम लोग तो बहुत ही छोटे थे, तो बहुत ही कम याद है रामायण के बारे में, लेकिन याद है कि रामायण आता था और हम लोग तीर धनुष बना के घर से निकल जाते थे, यू नो, और
कभी सोचा नहीं था कि बड़े होके एक्टर बन के सेम वही रामायण का किरदार करने को मिलेगा, क्योंकि मुझे याद है एक बार मैंने तीर धनुष बनाया था और मारा था और मुझे मेरे डैड को लग गया था वो झाड़ू का जो होता है ना उसको, तो मुझे बहुत पिटाई पड़ी थी, बोला था बिल्कुल बहुत खतरनाक है मत खेला करो, तो मुझे याद है रामायण देख के किया था। और अब आज कुछ सालों के बाद वापस रामायण में राम और सीता बन गए, तो अच्छा लगता है कि आप जिसको बचपन से देखते आए हैं, रामायण की कहानियां सुनते आए हैं, उसी का किरदार करने को हमें मौका मिला। ग्रेट सर, जाते जाते फैंस को आपने क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो हर वक्त आपको ढेर सारा प्यार हमेशा से देते आए, गुरमीत दवीना? फैंस को यही कहना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच, उनको एंटरटेन करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश में रहते हैं। इस लॉकडाउन में भी हम लोग ट्राई करते कि कुछ नया ऐसा क्या किया जाए ताकि हम लोग एंटरटेन कर सके। सो एक्टिंग सिर्फ हमारा प्रोफेशन नहीं है, हम इस चीज को एंजॉय करते हैं बोल के ही घर पे बैठ के भी कोशिश करते हैं कैसे एंटरटेन किया जा सके। तो कीप लविंग अस, कीप वॉचिंग रामायण इन दंगल 7:30 इन द इवनिंग एंड 9:30 इन द मॉर्निंग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू शिल्पा, बाय, प्लेजर, थैंक यू सो मच, सी यू, होप टू सी यू सून ऑन सेट। जय मुलाकात, बी सेफ बाबा, बी सेफ, या यू आल्सो, यू टू आल्सो टेक केयर, बाय गाइस, थैंक यू।